दोस्तों आज के आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के चार वर्ड्स जिनमें शामिल हैं पी ए सी के पैक पी ई ए, ए के पीक, पी डबल ई के पीक और पी आई सी के पिक के उर्दू और हिंदी में समझेंगे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में ट्यूटोरियल जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में होगी एक छोटी सी एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्टनर दोस्तों आज का पहला वर्ड है पैक पी ए सी के पैक अब पैक के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं जैसे हम कहते हैं सामान बांधना तो हम कह सकते हैं सामान को पैक करो सामान को बांधो लगेज पैक करो तो बांधना सामान वगैरह उसके मीनिंग में एक तो ये यूज़ होता है बांध ना। फिर आपने सुना होगा पैक ऑफ वुल्व्स जो वुल्व्स का झमघट्टा होता है जो आठ दस वुल्व्स होते हैं और वो जंगल में रहते हैं तो उन्हें हम पैक ऑफ वुल्व्स कहते हैं तो उस सेंस में भी पैक को यूज करते हैं इसके अलावा जो हम सिक्स पैक्स की बात करते हैं जो आपके पेट के मसल्स होते हैं उसमें चार खाने खाने छः खाने से बनते हैं तो उनको भी पैक्स कहा जाता है सिक्स पैक्स फ़ोर पैक्स एट पैक्स इसी तरह बियर वग़ैरह के भी जो आ, टेन वगैरह होते हैं मतलब आठ दस एक पैकेट जो होगा उसको भी पैक कहा जाएगा तो पैकेट जो है वो पैक से ही निकला है तो चलें कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इनके इन मीनिंग्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं पैक योर लगेज अपना सामान पैक करो अपना सामान बांधो पैक यूर लगेज आई वॉन्ट सिक्स पैक्स यानी कि मैं एक्सरसाइज करके अपने पेट पे छः पैक्स बनाना चाहता हूँ आई वॉन्ट सिक्स पैक्स आ पैक ऑफ वर्ल्व Is wandering in this area. इस इलाके में एक वल्स का पैक भेड़ियों का झमघट्टा भेड़ियों का पैक जो है वो घूम रहा है अ पैक ऑफ wolves इज वॉन्ड्रिंग इन दिस एरिया वॉन्ड्रिंग होता है इधर उधर घूमना दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पीक पी ई ए के पीक अब ये जो पी ई ए के पीक होता है ये हम चोटी को कहते हैं पहाड़ की चोटी जो होती है उसको कहा जाता है पीक तो जिसे हम कह सकते हैं आई वॉन्ट टू क्लाइंब अप द कोई भी पीक का नाम ले सकते हैं कोई जिस तरह चोटियां सर करते हैं जिस तरह ए बी सी पीक आई वॉन्ट टू क्लाइंब अप द एबीसी पीक मैं एबीसी पीक पर चढ़ना चाहता हूं मैं एबीसी पीक जो एबीसी चोटी है उस पर चढ़ना चाहता हूं इसी तरह हम कह सकते हैं Which flag is there on that peak? हम नीचे खड़े हैं और हमें चोटी पर कोई झंडा सा नज़र आ रहा है तो मैं पूछता हूँ कि उस चोटी पर कौन सा झंडा लगा हुआ है विच फ्लैग इज़ देअर ऑन डैट पीक और पीक को हम एक और सेंस में भी यूज़ करते हैं जिस तरह ऊंचाई ठीक है जी जिस तरह कैरियर की के ऊंचाई या फिर जिस तरह कोई फनकार है कलाकार है तो जब वो पीक पे होता है ऊंचाई पे होता है बहुत फेमस होते हैं तो सब भी हम पीक कहते हैं जिस हम कह सकते हैं कि ही लेफ्ट शो बिजनेस एट द पीक ऑफ कैरियर रियर उसने अपने कैरियर की के ऊंचाई पे बुलंदियों पर शो बिजनेस छोड़ दिया ही शो बिजनेस एट द पीक ऑफ हिज कैरियर दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है पीक पी डबल ई के पीक अब ये जो पीक है पीडब्लू के पीक इसका मतलब होता है झांकना झांकी मारना झांक जैसा मैं पूछ सकता हूँ वाई आर यू पीकिंग इन देयर हाउस आप किसी के घर में जो वो झांकी मार रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा वाई आर यू पीकिंग इन देयर हाउस आप कहते हैं यार वहाँ पे देखो तो कौन है तो मैं कहता हूँ आई विल पीक या आई एम गोइंग टू पीक आई एम गोइंग टू पीक एंड टेल यू आप फोन पे पर कहें यार सा, जा, साथ झांकी मार के देखें मेरा घर ठीक है कि नहीं तो मैं कहता हूँ मैं अभी झांकी मारता हूँ आई एम गोइंग टू पिक एंड टेल यू और आपको बताता हूँ अब जो हमारे पास चौथा वर्ड है आज का वो है पिक पिक का मतलब होता है उठाना पिकअप करना ऊपर उठाना देखें आप जो है आप सामान को भी उठा सकते हैं पिकअप कर सकते हैं पिक कर सकते हैं या फिर किसी बंदे को भी पिक कर सकते हैं जिस अगर आप मैं टैक्सी चलाता हूँ तो मैं किसी बंदे को कहीं से एयरपोर्ट से पिकअप करूँगा पिक, पिक करूँगा तो उठाने को उठाना को पिक करते हैं जिस मैं कहता हूँ के यार कैन यू प्लीज पिकअप माई लगेज क्या आप मेरा सामान उठा सकते हैं कैन यू प्लीज पिकअप माई लगेज या टीचर जिस तरह स्टूडेंट को कहती है पिक इट अप इसको उठाओ पिक इट अप आई विल पिक यू अप लेटर मैं आपको यानी कि बाद में गाड़ी में पिक कर लूँगा आई विल पिक यू अप लेटर तो दोस्तों अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का एक्सरसाइज के तौर पे आपने हमने आज जो चार वर्ड्स के मीनिंग को समझा है पैक पीक पीक और पिक इनमें से दो वर्ड्स को उठाना है और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पीक पी ए के पीक और पी डब्ल के पीक को उठाएँ और इनको यूज़ करते हुए एक एक सेंटेंस बनाएँ और नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज के ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और इसको शेयर जरूर करें अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कोई क्वेश्चन है कोई कॉमेंट है तो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं थैंक यू वेरी मच मिलेंगे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में आंटिल देन टेक केयर कीप लानिंग कीप इंजॉइंग गुड डे लाइक शेयर subscribe i fektner